लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी की रेस लगाने पर पाबंदी है, इसके बावजूद कुछ लोग परंपरा के नाम पर इन पाबंदियों की खुली अवहेलना करते दिख रहे हैं। आज नई मुंबई के पनवेल पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बैलगाड़ी रेस लगाने वाले ऐसे दर्जनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 3 आयोजकों को गिरफ्तार किया गया है और रेस में शामिल दर्जन भर बैलों को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल नोइंबई परिक्षेत्र में लॉकडाउन और किसी भी तरह के कार्यक्रम की परमिशन नहीं है, तब भी कुछ लोग ऐसे आयोजन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही टेम्पो और उसमें खड़े बैलों को देखकर यह मत समझिए कि इन्हें किसी कसाई से जब्त किया गया है। दरअसल पनवेल शहर पुलिस ने इन बैलों को एक ऐसी जगह से गिरफ्तार किया है जहां कुछ लोग नियमों का खुला उल्लंघन कर बैलगाड़ी रेस चला रहे थे। पुलिस आयुक्तालय जोन 2 के DCP शिवराज पाटिल ने बताया कि नवम्बई में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए किसी भी कार्यक्रम को परमिशन नहीं है। इसके बावजूद यहां कुछ लोग बैलगाड़ी रेस चला रहे थे। इस मामले में 3 आयोजकों के साथ ही कुछ बैलगाड़ियां और कई मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनाते हैं DCP ने और क्या कुछ कहा। शहर पुलिस स्टेशन के अधीन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय लांगे, इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा जो बैलगाड़ी शरीर थे वो ऑर्गेनाइज किया है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने एक टीम वहां पे रवाना की, तो वहां पे लगभग उसका आयोजन हुआ था और वहां पे बैल भी थे, कुछ व्हीकल्स थी। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, वहां पे पदक गया, तो वहां पे लगभग 3 ऑर्गेनाइजर और जो पार्टिसिपेंट थे उनको 3 लोगों का अरेस्ट किया गया। एक महिंद्रा पिकअप व्हीकल जो बैल कार्य करने के लिए रहता है उसको भी काबे में लिया, जो और कुछ व्हीकल्स वहां से हमने बरामद की है और 4 उसमें आरोपी है जो वांटेड है और कुछ व्हीकल्स के नंबर भी हमें प्राप्त है, तो उनको भी हमने ट्रेस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।